छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि ईडी की जांच से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार पूछना चाहे पूछ ले, लेकिन सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। कांग्रेस भवन को सील कर दिया गया है और मुझे जाने से रोक दिया गया। इसके ऊपर रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझसे ज़्यादा सिक्योरिटी की उनके पास है, अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो लीक कर दें, मुझे डर नहीं है, मैं तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं चलता हूँ। देखिए ईडी की जांच से हमें कोई तकलीफ नहीं, जितना बार पूछना चाहे पूछे, लेकिन दुरुपयोग क्यों? कांग्रेस भवन को आप सील करके रखे थे, नेता आ नहीं रहे, जा नहीं पा रहे, हम लोगों को रोका गया। अब मैं बोल दिया हूँ कि नक्सल प्रभावित, मुझे बीच रास्ते में रोक दिया भीड़ भाड़ जगह में। मैंने कहा भाई मैं नक्सल प्रभावित राज्य से आता हूँ, जेड प्लस मुझे सुरक्षा है, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता मेरी सुरक्षा रहे, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन बाध्यता है। और रमन सिंह उसमें ट्वीट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बदनाम, अरे छत्तीसगढ़ को 4 लाख से 14 जिला करने में आप ही का हाथ था, और आपको यदि लगता है कि कोई बात नहीं है तो आप तो मुझसे भी ज़्यादा सुरक्षा आपके पास है।